आज बनाएंगे ब्रोकली पराठा। तो ब्रोकली ना एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये खाने में थोड़ा कम पसंद है लोगों को, ना बड़ों को पसंद है ना बच्चों को पसंद है। तो इसका क्या बनाएं, इसके स्नैक्स भी अच्छे नहीं लगते। तो आज इसका पराठा जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। तो थोड़ी सी ब्रोकली ली है, उसको बॉयल गर्म पानी में हमने इसको अच्छे से डाल दिया वॉश करने के बाद, और इसे बॉयल होने देंगे और इसे रख देंगे कवर करके। जब तक इसको बॉईल करेंगे हम, तब तक अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं कि पराठे में और क्या क्या ऐड करना है। तो इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने निकाली है प्याज और एक हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप किया है। तो चेक कर लेते हैं ब्रोकली की हाल क्या है। तो इसका कलर चेंज हो चुका है और नाइफ को मैंने इसके अंदर डाल के देखा है, तो ये आराम से जा रहा है। तो इसी जो हमारी ये है इस टाइम पे इसकी सिचुएशन, हमें यही चाहिए। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें मैस नहीं करना है, इसको चॉप करना है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। निकालने के बाद अब देखो इसका कलर कितना सुंदर हो गया। बॉयल होने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो यहाँ इसकी जो स्टेज थी ये वाली, तो यहाँ इसको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और प्याज के साथ इसको मिक्स कर दिया। तो यहाँ मेरे पास सुबह का थोड़ा सा बॉइल्ड पटेटो मेरे पास रखे हुए थे, तो इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इसकी क्या होगा बॉइल्ड पटेटो से, इसको हमको बाइंड करने में इसकी जो बाइंडिंग होगी ना वो काफ़ी अच्छे से निकल के आएगी। तो अब देखते हैं जब ये घर के जो मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, नमक और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो आप सच सच बताइए कि आपके घर में किस किस को ब्रोकली खाना पसंद है, खास करके बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चों को ज़रूर खिलाएं ब्रोकली, सर्दियों में तो काफ़ी होती है। तो आप जितना खिला सकते हैं बच्चे को आप उतना खिलाइए, और काफ़ी टेस्टी है, यमी है और हेल्दी भी पराठा है। आप खिलाओ, बच्चा खाएगा खुश होकर, उसे पता भी नहीं चलेगा आपने उसको क्या क्या खिलाया है। तो यह चपाती हमने बेल ली है, अब डाल देते हैं इसके अंदर स्टफिंग, सेंटर में रख दिए स्टफिंग को, और अच्छा खासा इसमें स्टफिंग को फिल करना है आपको, ताकि पराठा है ना जो थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसा बने जो खाने वाले को भी लगे कि हाँ कुछ खा रहा हूँ मैं। तो यहाँ बनाते हैं पराठे का पेड़ा। तो दो सारी तरफ से ऐसे जैसे हम कर रहे वीडियो आपको वैसे ही करते जाना, जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हो उसी तरह से आपको बिल्कुल इसको बेलना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएं और बेलते जाएं अपना पराठा। तो यह अच्छे से पराठा मेरा बेल चुका है, तवा दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख दिया था, तवे पर डाल देते हैं पराठा। दोनों तरफ से अच्छे से इसे पकाएंगे। जब तक ये दोनों तरफ से अच्छे से ना पक जाए, आपको इस पर घी नहीं लगाना है। इसको अच्छे से पकाने के बाद अब देखो दोनों एक साइड से थोड़ा सा पक गया है, दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो अब यहाँ डाल देंगे घी। घी डालने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चारों तरफ आपको घी फैला देना है, दूसरी साइड भी आप घी लगाएं, और गर्मा गर्म जब आप देखेंगे ना इसको काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी यमी और काफ़ी टेस्टी लग रहा था दिखने में ही, तो खाने में कितना होगा। तो मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई ज़रूर करें, बच्चों को खिलाएं, और मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।